तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो चीज। एक तो हम जानेंगे कि एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है रिवाइज, और दूसरा हम जानेंगे कि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या जिन लोगों के पास पहले से अपना उद्योग आधार था उनको भी माइग्रेट करना पड़ेगा इस उद्यम रजिस्ट्रेशन में, या वो उद्योग आधार पहले से जैसा था वैसा ही चलता रहेगा, और जो नए एंटरप्रेनर हैं क्या उनको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना अब जरूरी होगा। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो एमएसएमई है ये गवर्न होता है, एक खास तौर से मिनिस्ट्री बना दी गई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दोस्तों ये एक्ट एक आया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में, जहां पर डिफाइन किया गया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कुछ डिमांड थी, तो अब सरकार ने एक 26 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन इशू किया, जिसका नंबर उन्होंने कहा कि भैया SO2119 ब्रैकेट में ई डेटेड June 26, June 26, 2020। दोस्तों यहां उन्होंने बताया कि भाई जो एमएसएमईज हैं उनकी डेफिनेशन अब हमने चेंज कर दी है। दोस्तों यहां मैं आपको बता रहा हूं पुरानी डेफिनेशन और नई डेफिनेशन। दोस्तों इस सर्कुलर, इस नोटिफिकेशन से पहले जो डेफिनेशन थी वो कुछ ऐसे थी कि उसका जो बेसिस था वो था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट फॉर सर्विस सेक्टर। दोस्तों माइक्रो एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग में वो थी जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख तक था, स्मॉल एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग में वो थी जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़ तक था, और मीडियम एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक था। दोस्तों सर्विस सेक्टर के लिए डेफिनेशन अलग थी अभी ये रिवाइज डेफिनेशन आने से पहले। सर्विस सेक्टर में कहा कि भाई अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 10 लाख रुपए तक है तब आप माइक्रो हैं, अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 2 करोड़ तक है तब आप स्मॉल हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 5 करोड़ तक है तब आप मीडियम कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों अब ये सब खत्म हो गया, तो ऊपर वाली टेबल जरा अब आप भूल जाइए, अब नीचे वाली टेबल पर ध्यान दीजिए। दोस्तों यहां ये कहा है कि देखिए पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के दो अलग अलग क्लासिफिकेशन किए थे, अब सरकार ने कह दिया कि भैया हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर सब बराबर है, तो जो डेफिनेशन है चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस सेक्टर में क्लासिफिकेशन का तरीका एक ही रहेगा। ये पहला चेंज। दोस्तों दूसरा चेंज ये हुआ कि अब सरकार ने कहा है कि आपकी दोनों मांगे हमने मान ली है, हमने जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में उसकी लिमिट भी बढ़ा दी है और साथ में टर्नओवर को भी इंक्लूड कर दिया है एमएसएमई को डिफाइन करने के लिए। दोस्तों अब माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होंगी चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस सेक्टर में हो जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ तक है और जिनकी टर्नओवर इज ओनली अप टू 5 करोड़। यानी दोस्तों ये एंड बीच में लगा हुआ आप देख रहे हैं इस टेबल में नीचे वाली में, एंड मतलब दोनों, यानी दोनों क्राइटेरिया पूरे करने होंगे साहब आपको, और स्मॉल एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होंगी चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक और टर्नओवर अप टू 50 करोड़ रुपीज। इसी तरह दोस्तों मीडियम एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होंगी जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ तक और टर्नओवर अप टू 250 करोड़ तक। दोस्तों आपको खास बात ये रखनी है ध्यान में कि दोनों कंडीशन पूरी करनी है, मतलब ये हुआ दोस्तों अगर आप देखिए पहली वाली देख लीजिएगा आप कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है प्लांट एंड मशीनरी में लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 6 करोड़ हो गई तो आप माइक्रो नहीं रहे, तब आप स्मॉल कैटेगरी में चले जाएंगे। तो दोस्तों ये हुई डेफिनेशन। मैं आपको बताता हूं कुछ खास खास बातें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर है,
पहले भी दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर था उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन, अभी भी जो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है सरकार ने कहा कि हम आप पर भरोसा करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर है, मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करना है। दोस्तों दूसरी बात सरकार ने कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा नौजवान, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेनर्स आए, अपना व्यापार करें, अपना बिजनेस करें, अपनी कोई कंसल्टेंसी या कोई सर्विस की जो फर्म है, कंपनी है, वो शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है भैया, इसके लिए हम कोई फीस आपसे नहीं लेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। और दोस्तों सरकार ने कहा कि देखिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर भी नहीं काटने। वैसे अधिकतर लोग परेशान होते हैं, एमएसएमई खास तौर से कहती हैं कि भैया हमें तो बहुत ही चक्कर कटाए जाते हैं, दफ्तर में आ जाना, कल आना, अभी ये पेपर लाना, वो लाना, कोई जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने दोस्तों कह दिया है कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा ये ऑनलाइन मिलेगा और ये ई फॉर्म में आएगा, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आप बस अप्लाई कीजिए और आपके कंप्यूटर पर और आपके मेल पर ये आ जाएगा। दोस्तों यहां जैसे मैंने आपको बताया डेफिनेशन में कि भैया इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और एंड टर्नओवर आपकी दोनों देखी जाएंगी, यानी ये कंपोजिट क्राइटेरिया है अब किसी भी एंटरप्राइजेस को डिसाइड करने में कि ये माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, यानी दोनों जो क्राइटेरिया है वो पूरे करने होंगे, यानी कंपोजिट क्राइटेरिया है टू डिसाइड माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। दोस्तों ये जैसे मैंने आपको बताया 26 जून 2020 को जो नोटिफिकेशन इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने, उन्होंने उस नोटिफिकेशन के द्वारा 4 नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिए हैं। दोस्तों मैं बताता हूं कौन कौन से। एक नोटिफिकेशन दोस्तों ताजा इशू किया था, यानी 26 जून को किया, एक 1 जून 2020 को किया था नोटिफिकेशन इशू, उसका नंबर था SO1702(E), इसको विड्रॉ कर लिया। मैं बताऊंगा दोस्तों उसमें क्या था। दोस्तों एक और नोटिफिकेशन था वो 2017 का था, उसका नंबर था 2052(E), उसको भी विड्रॉ कर लिया। एक दोस्तों और नोटिफिकेशन था 2013 का, उसका नंबर था 3322(E), उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। और एक दोस्तों बहुत पुराना सर्कुलर 2006 का था 1722(E), उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है इस नए नोटिफिकेशन के द्वारा। दोस्तों ये इनमें था क्या जिनको अब विड्रॉ कर लिया गया है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उन नोटिफिकेशन के बेस पर कोई डिसीजन ले रहे थे तो रुक जाइए, अब वो नोटिफिकेशंस वैलिड नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक अभी तो ताजा यानी अभी एक नोटिफिकेशन इशू किया था इस नोटिफिकेशन से पहले 1 जून 2020 को SO1702(E), उसको विड्रॉ कर लिया। दोस्तों उसको इसलिए विड्रॉ किया, कोई खास बात नहीं थी उस नोटिफिकेशन में, उसमें केवल जो डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई थी टेबल में कंपोजिट क्राइटेरिया वाली, बस वहां पर वो डेफिनेशन बताई थी इस नोटिफिकेशन में, लेकिन दोस्तों वो बहुत ही छोटा सा नोटिफिकेशन था। उसके बाद बहुत सारे हमारे जो एंटरप्रेनर्स भाई बहन हैं उन्होंने अपनी जो क्वेरीज थी, जो अपने इश्यूज थे, वो सरकार के पास भेजने शुरू कर दिए, क्योंकि कुछ क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था उस नोटिफिकेशन से। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने ये जो नया नोटिफिकेशन इशू किया है, इसमें डेफिनेशन तो है ही और साथ में बहुत ही डिटेल्ड में क्लैरिफाई किया है उस डेफिनेशन को, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई देखिए एक ही डेफिनेशन हम दो बार तो नहीं इशू कर सकते नोटिफिकेशन उसके लिए, तो पहला नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ले रहे हैं और इस नोटिफिकेशन में ये डेफिनेशन भी आपको दोबारा से बता दिया और उसके बारे में बहुत सारे क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं। दोस्तों एक मैंने आपको बताया था कि 2017 का एक नोटिफिकेशन विड्रॉ किया है इस नए नोटिफिकेशन के द्वारा, उसमें भी कोई खास बात नहीं थी पहले, क्योंकि उद्योग आधार मेमोरेंडम होता था एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, तो उस नोटिफिकेशन में जो नंबर
SO2052 ब्रैकेट में ई 2017 में इशू किया था, वहां पर बताया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने कि भैया आपका उद्योग आधार मेमोरेंडम कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर है। अब उद्योग आधार मेमोरेंडम क्योंकि खत्म होने जा रहा है तो इस नोटिफिकेशन को भी विड्रॉ कर लिया गया है। दोस्तों एक मैंने आपको बताया कि एक 2013 में भी एक नोटिफिकेशन था 3322 ब्रैकेट में ई, वो भी विड्रॉ कर लिया। दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, उसमें ये कहा गया था कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि पहले तो वो ही था एक क्राइटेरिया, अगर कभी बढ़ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट और आप माइक्रो से स्मॉल या स्मॉल से मीडियम में या मीडियम से लार्ज में चले जाते हैं, तब जो बेनिफिट है वो आपको कब विड्रॉ होंगे। और उस नोटिफिकेशन में दोस्तों ये कहा था कि 3 साल तक जब भी आपका ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तब आप अपग्रेड होते हैं नए कैटेगरी में, तो 3 साल तक आपको पुरानी वाली कैटेगरी का फायदा मिलता रहेगा। दोस्तों अब ये विड्रॉ कर लिया गया है, मैं बताऊंगा अब क्या गाइडलाइंस आ गई हैं इसके बारे में कि जब आप अपवर्ड ग्रेजुएट होंगे या डाउनवर्ड होंगे। दोस्तों एक और नोटिफिकेशन के बारे में मैंने कहा कि वो भी विड्रॉ कर लिया गया, वो 2006 का एक नोटिफिकेशन था 1722 ब्रैकेट ई। इसमें दोस्तों बात यह थी कि कुछ प्लांट एंड मशीनरी को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने कहा था कि भैया जब आप अपनी कैलकुलेशन करें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की तो ये प्लांट हटा दीजिए, ये मशीन हटा दीजिए। जैसे दोस्तों डीजी सेट था, ट्रांसफार्मर कॉस्ट थी, डाइज मोल्ड्स, इस तरह के कुछ प्लांट एंड मशीनरी थे जिसके लिए सरकार ने कहा था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने कि ये आप कैलकुलेशन करते समय अपनी बैलेंस शीट में जो अमाउंट है, जो आपका ग्रॉस वैल्यू है, उसमें से आप इनको लेस कर दीजिएगा। दोस्तों अब क्योंकि सरकार कह रही है कि भैया देखिए हमने इन्वेस्टमेंट की लिमिट बहुत बढ़ा दी है, जहां पहले 10 करोड़ थी वो अब हमने 50 करोड़ तक कर दी, सर्विस सेक्टर में तो 5 करोड़ ही थी उसको भी हमने 50 करोड़ कर दिया, तो अब ये क्या घटाने वटाने का चक्कर छोड़ो, सबको ले लो, लैंड बिल्डिंग को छोड़ के सब चीजों को आप यहां कैलकुलेशन के लिए ले लीजिएगा। और दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब कह दी है सरकार ने, पहले होता था ग्रॉस वैल्यू लेते थे हम, अब हम WDV यानी रिटेन डाउन वैल्यू लेते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं इस सर्कुलर की अब कोई जरूरत नहीं है, ये छोटी मोटी चीजें हटाने से कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, पहले सरकार ने बहुत हमारी जो लिमिट है वो बढ़ा दी है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के लिए। अच्छा दोस्तों ये जो मैंने आपको कहा कि ये जो सर्कुलर है इसमें बहुत सारी चीजों का क्लेरिफिकेशन भी दिया गया है, तो इसमें ये बताया गया है कि भैया ये इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, किन चीजों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस सर्कुलर में कहा है कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी होगा अब हम इसको लिंक कर देंगे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से जो भी आपने पिछले साल फाइल की होगी। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भैया मैं तो नया एंटरप्रेनर हूं, मैंने तो अभी तक कोई रिटर्न फाइल नहीं की, अब मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, जो नए एंटरप्रेनर्स हैं जब तक वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तब तक उनको सेल्फ डिक्लेयर कर देना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में ये है, वही मान लेगा जो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है और उसी के बेस पर आपका क्लासिफिकेशन कर देंगे माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेज में। दोस्तों जो प्लांट एंड मशीनरी है जो इनकम टैक्स रूल्स में असाइन की गई है उसी के हिसाब से है, यानी रिटन डाउन वैल्यू भी आपकी ली जाएगी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के लिए। दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई लिमिट बहुत बढ़ा दी, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने कहा कि देखिए लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा सब कुछ आपका अब कवर है इस कैलकुलेशन के लिए जो हमने आपको बताई है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के लिए माइक्रो स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के लिए। दोस्तों जो नए एंटरप्राइजेज हैं उनको कहा गया है खास तौर से कि भाई देखिए आपकी अभी तो बैलेंस शीट तो है नहीं, तो आपका जो परचेज प्राइस हो इनवॉइस का आप वो वैल्यू ले लीजिएगा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के लिए। आपकी अगर नई मशीन है तब भी, आप सेकेंड हैंड मशीन खरीद रहे हैं तब भी, जिस वैल्यू का आपको बिल मिलता है वही वैल्यू होगी आपके इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की। दोस्तों जो नए एंटरप्रेनर हैं उनको एक और छूट दे दी कि देखिए जो जीएसटी लिखा है आपके बिल में ना उसको भी आप छोड़ दीजिएगा, आप केवल जो जीएसटी से पहले वाला अमाउंट है वो ही ले लीजिए और उसी को डिक्लेयर कर दीजिएगा इस फॉर्म को भरते हुए
जो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आप भरेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक सर्कुलर है जिसके द्वारा कुछ ये डाइज मोल्ड ट्रांसफॉर्मर डीजी सेट वगैरह पहले हटा दिए जाते थे, अब नहीं हटाएंगे। दोस्तों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट के सेक्शन 7(1) में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, वहां पर उन्होंने कुछ प्लांट एंड मशीनरी लिखी है कि इनको आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा, तो वो आपको एक्सक्लूड कर देनी है क्योंकि वो एक्ट का एक पार्ट है। दोस्तों ये हुआ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं जो दूसरी कंडीशन है कि भैया टर्नओवर भी आपको देखनी है, तो टर्नओवर की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे उसके लिए भी काफी कुछ गाइडलाइंस दी हैं इस सर्कुलर में। एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात वो ये कि उन्होंने कहा है इस सर्कुलर के द्वारा कि आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट टर्नओवर है भैया सब लेस कर दीजिए इसमें से, यानी एक्सपोर्ट टर्नओवर आपकी इस कैलकुलेशन 4 टर्नओवर ऑफ योर एंटरप्राइजेस पूरी माइनस कर देनी है। यानी अगर आप एक दोस्तों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है 100%, तब आपकी टर्नओवर तो मान लीजिए कि जीरो ही रहेगी। और आप अगर एक एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों बिजनेस में है, तो अगर आपकी टर्नओवर टोटल टर्नओवर दोस्तों 100 करोड़ है और आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर 80 करोड़ है, तो इस पर्पस के लिए कि आप माइक्रो में है, स्मॉल में है या मीडियम में, आपकी टर्नओवर केवल 20 करोड़ ही मानी जाएगी। दोस्तों एक बात और, आपकी जो ये टर्नओवर होगी इसको लिंक कर देंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आपकी जीएसटी रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न से। दोस्तों लेकिन 31 मार्च 2021 तक आपको ये अपने सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर चलेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी शायद लिंकेज कर रही है इनकम टैक्स से और जीएसटी के डिपार्टमेंट से। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर चेंजेज आ गए हैं कि 31 मार्च 2021 के बाद आपका पैन नंबर भी होना चाहिए, यानी आपके बिजनेस का जिसके नाम से आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, और आपका जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी 31 मार्च 2021 तक तो आपके पास अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तब भी आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों 31 मार्च 2021 के बाद आपके बिजनेस का परमानेंट अकाउंट नंबर और जीएसटी दोनों आपके पास होने चाहिए। दोस्तों ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है ये 1 जुलाई 2020 से शुरू हो गया है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं वेबसाइट जहां जाकर आप अपने बिजनेस का उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं, चाहे आपको अपना नया उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना हो या आपको पुराने उद्योग आधार मेमोरेंडम या उद्योग आधार सर्टिफिकेट को माइग्रेट करना हो इस उद्यम रजिस्ट्रेशन में। लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको बता रहा हूं दो वेबसाइट, उद्योग आधार .gov.in या उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, ये दोस्तों आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, खासतौर से जिनके बाद में gov.in लगा होता है वो तो वैसे भी गवर्नमेंट की साइट होती है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ये gov.in नहीं यूज कर सकता। तो दोस्तों आप यहां जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। मैं आपको बता देता हूं आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए। दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट यहां अपलोड नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया, बस आपको एक आधार नंबर चाहिए, और वो जो आधार नंबर या आधार कार्ड चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो आपके मोबाइल से लिंक हो, क्योंकि दोस्तों आपके मोबाइल फोन पर ओटीपी आएगा, ऐसा ना हो कि कोई पड़ोसी आपके आधार से आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन उल्टा पुल्टा कर दे। तो आपका जो आधार है वो लिंक होना चाहिए आपका मोबाइल उस आधार से, और बस आपको वो आधार चाहिए। दोस्तों अगर आप प्रोपरेटर हैं तो प्रोपरेटर का आधार, अगर आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है तो जो पार्टनर है कोई भी एक पार्टनर उनके आधार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों HUF हैं आप, तब जो करता है उनका आधार काम करेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी कंपनी है, LLP है, 1% कंपनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, तो आप जिनको भी ऑथराइज करेंगे ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए, वो उनका आधार नंबर चाहिए इस उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए। दोस्तों ध्यान रखिए कि पहले तो ऐसा होता था
कि अगर एक कंपनी की 6 यूनिट अलग अलग जगह पर है तो वो 6 उद्योग आधार मेमोरेंडम ले सकते थे, लेकिन अब दोस्तों एक एंटरप्राइजेस को केवल एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप जितनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करते हैं वो सब आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, आप जितनी सर्विस एक्टिविटीज करते हैं वो आप ऐड कर लीजिएगा, आपकी जितनी ब्रांचेज हैं, जितनी यूनिट्स हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग की या सर्विस सेक्टर की ऑफिसेज हैं उन सबको भी यहां पर आप ऐड कर सकते हैं एक ही अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन में। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो अपवर्ड रजिस्ट्रेशन में जो पुरानी कैटेगरी के जो बेनिफिट है पहले 3 साल तक मिलते थे, अब दोस्तों अगर आप कोई अपवर्ड चेंज हो रहा है आपका माइक्रो से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम या उससे ऊपर, तो जो एंटरप्राइजेस है दे विल मेंटेन इट्स प्रिवेलिंग स्टेटस टिल एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जब आपका रजिस्ट्रेशन का जो साल खत्म होगा उससे 1 साल बाद तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं। और दोस्तों अगर रिवर्स ग्रेजुएशन हो गया, यानी आप मीडियम से स्मॉल हो गए, स्मॉल से माइक्रो हो गए, तो फिर जो आपका जो एग्जिस्टिंग जो स्टेटस है दैट विल कंटिन्यू इन इट्स प्रेजेंट कैटेगरी टिल द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च तक तो वही आपका रहेगा और अगले साल 1 अप्रैल से आपकी जो कैटेगरी है वो दोस्तों चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों ये था सब कुछ आपको बताने के लिए कि भैया ये एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है और जो रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई का जिसको हम बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन वो हम कैसे ले सकते हैं।